नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। अक्सर क्रिकेट के मैदान पर एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती है, लेकिन कोई भी टीम इतनी बड़े से ना जीत जाए तो उसका अक्सर से देखने को मिले, और कोई भी टीम इतने भी बड़े से ना आ जाए कि उनके खुद के जो क्रिकेट दिग्गज है या पुराने क्रिकेट एक्सपर्ट है वो सकते में आ जाए। लातूर में भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी हार, और इस बड़ी हार के साथ साथ जो कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया में उसको सुनकर उसको जानकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया ही टीम और ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेटर्स बहुत टफ माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से नागपुर में उनका अभिमान टूटा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित हुआ, कई पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया के अपनी टीम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और ऐसे में अब सवाल बढ़ गए हैं कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया 4-0 से यह सीरीज हारने जा रहा है। सीरीज का अगला मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर एक और ऐसा वेन्यू जहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, और कई ऐतिहासिक स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन भी हमने यहाँ पर देखे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि यान हिली हो, चाहे यान चैपल हो, चाहे ग्रेग चैपल की बात कर लें, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पुराने दिग्गज है। मार्क वॉक की हम बात कर लें, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया टीम के अप्रोच को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जिस अंदाज में मैच हारा उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए और क्या भारतीय टीम 4-0 से सीरीज जीतने जा रही है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सभा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभा भाई, जिस तरह से यान चैपल का स्टेटमेंट आया, जिस तरह से यान हिली का स्टेटमेंट आया, फिर मार्क वॉक की बात करें या स्टीव वॉक की बात, जितने भी बड़े दिग्गज कप्तान ऑस्ट्रेलिया के रहे, सबने अपनी टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया, और इनका ये कहना है कि ऐसे खेले तो 4-0 से हार वो बचा नहीं पाएंगे जिस अप्रोच के साथ वो खेले हैं नागपुर में। हाँ राजीव, जब जब श्रृंखला शुरू हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि ये एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम है, बल्लेबाजी उनकी मजबूत है और वो कुछ ना कुछ दमखम दिखाएंगे मैदान पे, पर वैसा देखने को मिला नहीं है। और जिस तरह का विकेट मिला था नागपुर में, वो टर्निंग ट्रैक जरूर है, पर ऐसा विकेट नहीं था जो अनप्लेएबल हो, ऐसा विकेट नहीं था जहां पर अकस्मात उछाल मिल रही होगी स्पिनर्स को, वैसी कोई भी बात नहीं थी। यहाँ पर एप्लीकेशन की जरूरत थी जो कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने दिखाई नहीं, जबकि उनको फ्रेश विकेट पे खेलने का मौका मिला था। शुरुआत ही काफी खराब हुई, दो दो विकेट जो है वो टीमों को दे दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, दोनों ओपनर स्ट्रगल करने लगे, तो मुझे लगता है कि वहां से जो जो स्पिरिट है ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो खत्म हो गया है। उसके ऊपर से जिस प्रकार के उन्होंने टीम सिलेक्शन किया वो भी मुझे लगा कि बहुत ही हैरत अंदेज था, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स को खिलाना चाहिए था, जो इनफॉर्म प्लेयर्स है उनको आपने खिलाया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव के ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिन कॉम्बिनेशन है ये इंडिया का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय बल्लेबाज स्पिन अटैक के सामने खेलेंगे ना तो वो भी संघर्ष करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक, सिवाय मे बी रोहित शर्मा एक और बल्लेबाज को आप जोड़ लीजिए, पर इस तरह के विकेट पर इन तीन क्वालिटी स्पिनर्स के सामने खेलना बहुत मुश्किल है, और इस पे हम लोग जितने भी फेस करें उतना आसान नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हो या फिर किस कोई और देश का क्यों ना हो, बहुत ही कठिन होने वाला है। और अगर आने वाले समय में विकेट इस तरह के रहे, टर्निंग ट्रैक मिलेंगे जहां पर थोड़ी बहुत पेस रहेगी, ठीक ठाक उछाल रहेगी, वहां पर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अगर आप देखेंगे, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कब उनको डिफेंड करना है, क्या एग्रेसिव अप्रोच सही रणनीति है यहाँ पे, या उनको डिफेंड कर तो उनको रन बनाने, तो ये असमंजस में है उनकी स्थिति इस समय। और इसी वजह से सभी क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और सबसे पहले सर भाई, आपने इस बात की तरफ इंडिकेट किया था कि ऑस्ट्रेलिया उन टीमों में से एक है जिसको अगर बड़ा झटका लगता है तो वो बिखर से जाते हैं, क्या ये बिखराव इसीलिए जो तमाम बड़े कप्तान है जो बहुत क्रिकेटिंग ब्रेन माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, यान चैपल जैसे शख्सियत भी कहने लगी है कि 4-0 में बचा पाना इस ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत मुश्किल है? देखिए राजीव, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी एडिक्वेट नहीं है। अब मैं भारतीय टीम का उदाहरण देता हूँ कि भारत इसके पहले कितनी बार ऑस्ट्रेलिया गया है, हम हमेशा वहां से हार के आए हैं। एक बार पर हम लोगों ने विजन बना लिया कि हमारा विजन है, ये विराट कोहली के कप्तानी के अंडर हुआ था, उनका विजन था कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर तैयारी करनी है, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो उसके लिए हम भारतीय टीम ने किया क्या, हम लोगों ने बैटरी बनाई स्पेस बॉलर्स की, उसको तैयार किया, कम से कम 4 या 5 हमने पेस बॉलर ऐसे तैयार किए जो वहां के विकेटों पे भी जाके विकेट ले सकते हैं और तंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये 2-3 महीना पहले अगर आप तैयारी करने शुरू करेंगे कि मैं स्पिनर को तैयार करता हूँ, मैं ले जाता हूँ भारत, वहां पे मैं
हमारे स्पिनर्स अच्छा करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। टॉड मर्फी, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है, खाली एक एकमात्र आपके पास स्पिनर है नेथन लायन, वो भी जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और भारतीय विकेटों पर उनको सक्सेसफुल होना उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ज्यादा गति देते नहीं अपनी गेंदों में। तो मुझे लगता है कि इसके लिए फुल फ्लेज्ड प्लानिंग की जरूरत है, जो कम से कम 1-2 साल पहले आपको शुरू करनी चाहिए थी। आपको आपको मार्कआउट करना पड़ेगा, ये हमारे स्पिनर्स जिनको मैं तैयार करूंगा, क्योंकि 2 साल के बाद हमारा दौरा होने वाला है भारत का, तब जाके आपकी टीम मुकम्मल होती है। तो उस तरह की तैयारी आपने की नहीं। आप चाह रहे हैं भाई भारत आ जाते हैं, यहाँ पर मैं टर्निंग ट्रेस बनवाता हूँ, कोई भी स्पिनर को मैं ले आता हूँ, वो हमें तैयार कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने श्रृंखला के पहले ही बात की थी कि स्पिनर्स का मतलब है कि आप लंबे लंबे स्पेल आपको डालने होंगे। अब भारत क्यों सक्सेसफुल हो, क्योंकि भारत के पास 3 स्पिनर्स हैं, आपको जगह नहीं है छुपने की। आप जिस तरह के पहले जमाने में होता था ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलर्स के सामने या फिर वेस्ट इंडीज पेस बॉलर्स के सामने। अब समझ, क्योंकि आपने स्पिनर्स का जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। क्या ऑल टाइम ग्रेट तिकड़ी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? हमने बिशन पाजी, चंद्रशेखर, फिर प्रसन्ना को देखा, वेंकट राघवन को उसने जोड़ है, फिर अनिल कुंबले, राजेश चौहान, वेंकटपति राजू को देखा आप केरला में, फिर हरभजन सिंह, अनिल कुंबले को हमने देखा। बट क्या सबसे लीथल स्पिन तिकड़ी हम देख पा रहे हैं अक्षर पटेल, रवि जडेजा और आर अश्विन के रूप में? अब देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है राजीव, पर इस तरह का लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे याद नहीं है। चलिए बिशन पाजी की बात अलग है, वो अलग एरा था, उस तरह की क्या विकेटें रहती थी उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। पर मॉडर्न टाइम्स में इस प्रकार का घातक लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिन कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है कि भारत को मिला होगा। इसके पहले कई सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल चुके हैं, पर ये दो लेफ्ट आर्मर जो हैं, पर इन दोनों की भी शुरुआत है अभी। इसके पहले मुझे लगता है बहुत कम बार जडेजा और अक्षर पटेल एक साथ खेले हैं, तो ये एक एक एक, एक नई शुरुआत, थोड़ा और इनको हमें समय देना होगा। पर एक बात तो है कि जिस तरह की दोनों गेंदबाजी करते हैं, ये दोनों के दोनों क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं है राजीव। इसका मतलब यह है कि ये स्पिनर्स शानदार है भारतीय विकेटों के लिए, क्योंकि इनके अंदर गति है, वो अंडर कट करते हैं, कौन सी बॉल अंदर आएगी कौन सी बॉल बाहर जाएगी, ये तो मुझे लगता है ना जडेजा को पता है ना ना खुद अक्षर पटेल को पता है इस तरह की विकेटों पर। तो वो एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ आर अश्विन तो एक तरह से जिस तरह से वो बैटर को सेटअप करते हैं, उनके सामने भी खेलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिन की तिकड़ी है, ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है इस समय। इसके लिए, इसके खिलाफ तैयारी तो समय में आप कर नहीं सकते, क्योंकि जिस पेस पे गेंद डालते हैं रवीन जडेजा हो या अक्षर पटेल हो, खासतौर से अश्विन का जो वेरिएशन है, अश्विन भी 90 और 100 के बीच में बॉल डालते हैं, यानी इतना स्लो भी नहीं है जितना लेथन लॉयल है। कैसे आप देख रहे, क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ेगा? क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, सुनने में आया कि उन्होंने अगले दिन बीसीए में डिमांड की थी कि सेम पिच हमें दे दी जाए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वहां क्योंकि पानी डाल दिया ग्राउंडमैन ने तो मिला नहीं, वो भी तिल का तार बनाया ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उसको भी। बहरहाल करें क्या, वो क्या अप्रोच होना चाहिए? फुटवर्क में काम करें, जो उनका ट्रेडिशनल स्वीप शॉट था उसको प्ले में ज्यादा लिया है, क्या ऐसी दिक्कत है जो स्वीप शॉट भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अब स्टेप आउट भी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हाथ से निकलती जो रफ्तार है वो परेशान कर रही है ऑस्ट्रेलिया को? हाँ राजी, बहुत सही बात आपने कही है। जो हाथ से बॉल निकल रही है, जिस रफ्तार के साथ बॉल आ रही है, उस गति के साथ स्पिन गेंदबाजी को खेलना उतना आसान नहीं है इस प्रकार के विकेटों पे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि जिस तरह का मिश्रण दिखाया है तीनों स्पिनर्स ने, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके पास, आर्मर है, अंडर कटिंग डिलीवरी है, कई बार ओवर स्पिन कराते हैं। आर अश्विन के साथ भी वही है, उनके पास कैरम बॉल है, उनके पास ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, उनके पास ओवर स्पिन वाली बॉल है। तो इस तरह की गेंदबाजी को समझना, परखना, हाथ से छूटते ही ये समझ लेना कि कौन सी बॉल आ रही है, बहुत कठिन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को। फुटवर्क की आवश्यकता है, जो इस समय देखने को मिला नहीं है। कई बार हम लोगों ने देखा है जो फुटवर्क दिखाया है वहां पर, दोनों जो जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो पॉपिंग क्रीज में फंस कर ही खेल रहे हैं, ना तो उनका पैर आगे जा रहा है ना उनका पैर पीछे जा रहा है। अगर आपको स्पिनर को फ्रंट फुट पे खेलना है तो आपको बॉल के लाइन को समझ कर खेलना होगा, वहां पर आपको बैट लगाना होगा। अगर आपको बैक फुट पे खेलना है तो बॉल में क्या टर्न है उसके हिसाब से आपको फुटवर्क दिखाना होगा। तो इस तरह की चीजें नजर आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विकेट के ऊपर समय गुजारना होगा राजीव। आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, आप ये ध्यान में लेकर जाएंगे कि मुझे अटैक करना है, एग्रेसिव बल्लेबाजी करनी है, तो इस तरह के विकेट पर ये क्वालिटी स्पिन गेंदबाजों के सामने बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मुझे लगता है सबसे पहले नंबर 1 आपको फुटवर्क बहुत जरूरी है, नंबर 2 आप तैयार होकर जाना होगा कि मुझे समय गुजारना है इस विकेट पर। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम गुजारेंगे तभी आप स्पिनर्स को समझ पाएंगे, उनकी गति को समझ पाएंगे। अगर आप जाते ही ये प्रयास करेंगे कि मुझे स्वीप खेलना है, मैं स्टेप आउट करके शॉट खेल लेता हूँ, वैसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस तरह के विकेट पे आप
वो आप उस तरह से शॉट खेल नहीं सकते हैं। तो भाई मैं भी आंकड़े देख रहा था, अनिल कुंबले और भजन सिंह बहुत बड़े मैच विनर रहे साल 2001 के बाद, और उससे ऑनवर्ड से जब भी इंडियन पिचेस से वो मैच खेले। जडेजा अश्विन में खास तौर से खासियत ये कि सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी जाके उन्होंने मैचेस जिताए, पर अभी मैं घरेलू पिचे पे रिकॉर्ड देख रहा था तो अनिल कुंबले और हरभजन आसपास नहीं है उनके स्ट्राइक रेट के मामले में। 22 का औसत है, यानी हर 22 गेंद के बाद ये दोनों एक विकेट लेते हैं, जो मिलो आगे खड़ा करता है इनको। अब क्या रीजन आप देख पा रहे हैं कि अनिल कुंबले हरभजन जैसे दिग्गज स्पिनर्स को इन्होंने पछाड़ दिया और आसपास कहीं कोई स्पिनर दिख ही नहीं रहा है, अगर हम घरेलू पिचेस की बात करें तो? देखिए राजीव, मुझे लगता है ये एक्यूरेसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ उसके जी साथ साथ उस समय भज्जी और अनिल को थर्ड स्पिनर मुझे याद नहीं है कि उस तरह का सपोर्ट उनको मिला होगा। तो और बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि दोनों एक साथ बोलिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का श्रृंखला आपको याद होगी, वहां पर हरभजन थे केवल, दूसरी छोर से उनको कोई सपोर्ट था नहीं। अनिल कुंबले कई बार अलग प्रकार से अलग अलग टेस्ट मैचेस में उन्होंने खेला है। तो थर्ड स्पिनर का भी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दो स्पिनर अगर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो एक स्पिनर को रेस्ट मिल जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि जो 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 जिस तरह की विकेट मिली है, ये टेलर मेड है इस स्पिन ट्रायो के लिए। राजीव, इस तरह की विकेटें देखिए, हमारे पास पहले भी स्पिनिंग ट्रैक्स मिलते थे, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी हम लोगों ने श्रृंखलाएं जीती हैं। पर इसमें ज्यादा बाइट मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि क्यूरेटर जिस तरह से विकेट बना रहे हैं, वो ज्यादा मदद कर रहा है यहाँ पर स्पिनर्स को। और ये रैंक टर्नर्स नहीं है, यहाँ पर आप रन बना सकते हैं अगर आप विकेट पर खड़े रहेंगे तो। और एक और बात है राजीव, अनिल कुंबले की गेंद में ज्यादा रफ्तार थी, उनको खेलना बहुत मुश्किल था। भज्जी के पास ज्यादा फ्लाइट था और मिश्रण था, इसीलिए उन्होंने भी विकेट लिया। पर ये दोनों जो ये जो स्पिनर्स हैं तीन हमारे पास, इनके पास एक तो एक्यूरेसी है, एक एक, एक और दूसरी बात है कि रफ्तार है, और उसके साथ साथ मिश्रण बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है इसी वजह से इस समय। और अगर आपके पास क्या रफ्तार है तो आप स्टेप आउट नहीं कर सकते हैं ना ज्यादा। जी सर भाई, क्या क्या टेस्ट क्रिकेट का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स? पहले फ्लाइट होता था बिशनबाजी का, वो लूप देखने के लिए, या प्रसन्ना का लूप देखने की बात करें, या मनली बाजी है जो आपके तो बहुत ही क्लोज है, हम मेरे तो आइडियल बॉलर रहे जब तक तो उन्होंने एक्शन चेंज नहीं किया था अपना। उनकी बॉल तो हमने देखा स्पिन में आवाज आती थी जब हवा में छोड़ते थे, बट वो सारे हवा में रिलीज करते थे। हमारे यहाँ रिलीज वाला सिस्टम आपको लग रहा है खत्म हो रहा है, इसीलिए जब आप अंडर पे बेट तो नहीं कहेंगे बट जब थोड़ी सी मदद होती है पिच पे तो आप बहुत डेंजरस हो जाते हैं, लेकिन जब फ्लैट ट्रैक होता है तो फिर आप वो असर नहीं डाल पाते जो मनली बाजी या बिशन बाजी डालते थे, या शिवराम कृष्ण की बात कर लें और जो हवा में गेंद को छोड़ते थे। रिलीज और रफ्तार में क्या ये बड़ा फर्क है कि जब आपको मदद मिलेगी तो आप डेंजरस हो जाएंगे, और जैसे फ्लैट ट्रैक मिला फिर हम पुराने दिनों को याद करने लगेंगे? हाँ राजीव, जो आप ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी की बात कर रहे हैं या फिर स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, वो आइडियल है जब विकेट स्पोर्टिंग होते हैं या फिर विकेट अच्छे होते हैं बैटिंग के लिए, तब आप ट्राई करते हैं बैट्समैन को सेटअप करने के लिए, बैट्समैन को डिसीव करने के लिए। फ्लैट में फ्लाइट डाल के फिर आप बल्लेबाज को तंग करते हैं, वो अलग बात हो गई। पर अगर इस तरह के विकेट हैं, यहाँ पर हर स्पिनर की कोशिश यही रहती है कि वो रफ्तार के साथ बॉलिंग करे, उसमें अनुशासन हो, वो एक ही टप्पे पे बार बार बॉल गिराता रहे ताकि दबाव बढ़े बल्लेबाजों के ऊपर। अब जडेजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, पहले दिन या दूसरे दिन जो उन्होंने बात कही थी कि जब उनको विकेट नहीं मिल रहा तब उनकी कोशिश यही थी कि वो रन ना दे। इसका मतलब है कि अगर आप रन नहीं दीजिएगा तो फिर आपको विकेट मिलेंगे, दबाव बढ़ता है, क्योंकि बल्लेबाज फिर खुद कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है। उसको भी लगता है कि भाई रन कहाँ से आएंगे। पर वो तब पॉसिबल अगर आप एक्यूरेट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इस समय ये दोनों जडेजा और अक्षर पटेल बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा जगह देते नहीं है रन बनाने के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान के साथ, बहुत ज्यादा संयम के साथ बैटिंग करने की आवश्यकता है, तभी आप इनके सामने रन बना पाएंगे। सवा भाई, रोहित शर्मा ने कहा मेरे लिए तो चैलेंज था कि मैं अपना संयम कैसे रखूं जब मैच खत्म हुआ। उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि दोनों ही उनके सर पे आके खड़े रहते थे कि मुझे इस साइड से बॉल डालनी है, और कह रहे एक पर्टिकुलर हेड जो ज्यादा सूखा था, रवि जडेजा भी वहां से जोर दे रहे थे कि यार मैं तो माइल स्टोन के बहुत करीब हूँ, और अश्विन अलग जोर दे रहे थे, कह रहे जब 400 450 विकेट लिए थे गेंदबाज आपके सर पे खड़ा होता है, और जब 250 विकेट लिया हुआ खड़ा होता है तो आपको समझ नहीं आता है। तो एक कप्तान के लिए दो बड़े मैच फेलर्स को हैंडल करना, आप तो अक्षर पटेल को आप हैंडल कर दें क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड को उन्होंने हराया, कितना मुश्किल होता होगा जब आपका ऐसे मैच फेलर स्पिनर्स हैं और इस तरह के ट्रैक आपको पता है कि अगले तीनों मैच में मिलेंगे, क्योंकि एक धर्मशाला उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, अब आपको इंदौर में खेलना है तीसरा टेस्ट। इसीलिए तो भारतीय विकेटों पे कप्तानी करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पिनर्स को हैंडल करना। ये तो अच्छी बात है कि इस समय
अक्षर पटेल कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। सोचिए अक्षर पटेल भी हाँ अगर दबाव डालने लगे तो क्या होगा। इस तरह के विकेट हाँ पर सभी स्पिनर चाहते हैं गेंदबाजी करना, वो भी लंबे स्पेल करना। ऐसी बात नहीं है कि छोटा स्पेल डालकर वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस विकेट में आपको बहुत कुछ बहुत ज्यादा घुमाव मिलता है, आपको मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं बॉलिंग करना। और इसी वजह से दोनों जडेजा और आर अश्विन इस समय रोहित शर्मा के पीछे लगे हुए हैं। पर अंत में भारत ब्लेस्ड है कि हमारे पास इस तरह के स्पिनर, इसीलिए मैंने प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही कहा था राजीव कि ये वाले स्पिन अटैक को अगर हमारे बल्लेबाज भी खेलेंगे ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सर भाई, दो सवाल आखिर में चलते रहते। एक तो ये कि इन तीनों की बैटिंग क्या ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है कप्तान को, और इसीलिए वो टेम्प भी कर सकते हैं कि आप तीनों को खिला लें, तीनों क्योंकि अपने आप में एक बड़े मैच खेला है बैट के साथ भी। जडेजा और अश्विन ने तो कई बार प्रूव भी किया है, पर अक्षर ने रिसेंटली व्हाइट बॉल क्रिकेट में दिखाया है। क्या ये कैरियर जो बाकी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं है कि इतने अच्छे स्पिनर हो जो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो? हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसीलिए एशियाई सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह की हमारी स्पिन अटैक है, जिस तरह के हमारे हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब नंबर 9 तक अगर आपके पास बल्लेबाज है, सिर्फ दो आपके पास मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज 10 और 11 में है, 11 में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टीम में आप देख लें, इस तरह की डेप्थ किसी भी टीम में नजर नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप जो 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 भारतीय बल्लेबाज हैं वो खुलकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारतीय कंडीशंस में नहीं है, बाहर भी में भी हम लोगों ने देखा है कि आपके पास अगर ऑलराउंडर्स हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है। स्पिनर्स की बात के बारे में आपने बात की, मैं तो देख रहा हूँ जो जो हमारी ओवरसीज जब हम जाते हैं खेलने के लिए, वहां पर जडेजा रहते हैं, ऋषभ पंत रहते हैं, शार्दुल ठाकुर ने रन बनाया है, आर अश्विन ने रन बनाया है। तो इन सब वजहों से ही मुझे लगता है कि हमारी टीम और इतनी ज्यादा अब तो मजबूत शमी नजर आ भी रन रही बना रहे हैं सर भाई, वो तो कहते हैं उनको अगर रुक के खेलने को बोलो तो है। कहते हैं ईगो हट हो जाता है, अपने इंटरव्यू में बोला उन्होंने। और सबसे उन्होंने विराट और रोहित से ज्यादा छक्के लगा दिए हाँ सोचिए, उनको उनको एक मौका मिला, उसका फायदा उन्होंने उठाया, थोड़ा देर और क्रिकेट खेले तो फिर अशतक भी आसानी से पूरा कर सकते थे। में। जी क्या सर भाई, आखिरी सवाल, मैं क्योंकि कुछ क्रिकेट है और अपने हमारे देश के कुछ क्रिकेटर्स को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस साल 2023 दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भारत जीत सकता है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दूसरा वर्ल्ड कप। क्या आपको वाकई इतना लीथल, और ये सिर्फ स्पिनर्स को देखते हुए कहा है उन्होंने, या पेस बॉलर्स हैं जो आगे अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप इंग्लैंड जाएंगे वहां खेलेंगे क्या? लेकिन आपको लग रहा है संकेत मिल रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है हमारे स्पिनर्स ने? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि इसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्पोज किया है टीम सिलेक्शन में, उदाहरण के तौर पर अब देखिए जिस तरह से उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टेस्ट मैच में लेकर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने अक्षर पटेल को इस टेस्ट मैच में खिलाया है, वो विकेट को रीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने प्लेयर अपने अपने टीम को बिल्ड कर रहे हैं और उसी किस्म से वो प्लेयर्स को खिला रहे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है, मैं आशा यही करता हूँ कि रोहित शर्मा फिट रहे, और अगर रोहित शर्मा फिट रहते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आने वाला है। वहां पर अगर रोहित शर्मा फिट रहे और जिस तरह के हमारे पास पेस बॉलर्स हैं, वहां पर भी हम एक शानदार चैलेंज दे सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। भारतीय कंडीशंस में वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, जिस तरह का अप्रोच हमारा रहा है बायलेटरल श्रृंखलाओं में, मेरी फिर से यही 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 आशा है कि इसी तरह से हम लोग अगर आगे खेलते रहेंगे, इसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे खेलते रहेंगे, यही माइंडसेट के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से स्ट्रांग फेवरेट हैं विश्व कप जीतने के लिए भी 2011 के बाद। तो भाई क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की है मान ली जाए, जिस तरह हमने कन्विंसिंगली नागपुर में आया है, पर अब क्योंकि वेन्यू बदल गया है, आप सीधे दिल्ली से इंदौर जाएंगे, चांसेस और बढ़ गए हैं कि हम कम से कम 3 मैच तो जीत ही सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हमें आसानी से कर लेना चाहिए, आसानी तो नहीं, देखिए चैलेंज जरूर होगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, पूरे दमखम से वो वापसी करेगी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, जो प्लेयर्स हैं, उनको भी इस बारे में भली भांति मालूम है, वो भी सही आंकलन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइट बैक करेगा, पर तब भी मुझे लगता है कि ये श्रृंखला अगर हमने 3-0 से भी अगर जीत ली, तब भी हम आसानी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को क्वालिफाई कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और
सवा भाई एक अपने एनालिसिस होते हैं और उन्होंने जिस तरह से ब्रीफ किया कि क्यों हमारे स्पिनर्स डोमिनेटिंग है उस ट्रैक पर जहां पे थोड़ी बहुत मदद है और उनके हाथ से निकलती गेंदों की रफ्तार शायद ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा परेशान कर रही, बनस्पत तो बॉल कितना स्पिन कर रहा है हवा में, उसके आने वाले मैचेस में भी ये थ्रेट जारी रहेगा क्योंकि तीनों स्पिनर्स खेलेंगे इस बात के पूरे आसार है। पर ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर्स है उनका विश्वास तोड़ा है, उनका सिंहासन डोला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो बड़े बड़े दिग्गज नाम है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में वो किस तरह से इस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।